हाँ तो भाई लोगों, काफी लॉन्ग टाइम के बाद में सैमसंग की तरफ से उनका एक नया फिटनेस बैंड लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी फिट 3। भाई इसको लेके मुझे काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई इसका एक वीडियो करो और हमको सारे फीचर्स बताओ, क्योंकि इसमें एक काफी बड़ा फीचर अभी मिस है जिसके लिए कोई बंदा एक स्मार्ट बैंड बाय करता है या फिर स्मार्ट वॉच बाय करता है, कुछ भी हो एक वो मेन फीचर होता है जिसकी वजह से एक स्मार्ट वॉच बाय करता है कोई भी बंदा। लेकिन भाई इसमें वही सेम फीचर मिस है, वो मैं फीचर आपको बताऊंगा कि क्या चीज इसमें मिस है और सारे फीचर्स भी बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। देखो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी ये लॉन्च हो चुका है, अभी अवेलेबल है, अगर आप अमेजोन पे जाके देखोगे 4,500 के प्राइस में, और हो सकता है अभी प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, 4,500 नजदीक यही चल रहा है, एक अच्छा प्राइस आपको देखने मिल रहा है। अब देखो भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है ना तो सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हो, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको वो डील्स मिलती है जो कि भाई मैं वीडियो बनाकर नहीं बता पाता। ये जो स्मार्ट बैंड है सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 जब लॉन्च हुआ था तब 4,000 रुपए के प्राइस में मिल रहा था, अभी 5,000 का है। इसका डील मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था जब ये लॉन्च हुआ था। तो भाई ऐसी चीजों से आप मिस ना हो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको दूंगा नीचे, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। देखो भाई सबसे पहले मैं डिजाइन की बात करूंगा। स्मार्ट वॉच का डिजाइन ऐसा होता है, ये एक स्मार्ट बैंड आप बोल सकते हो जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में, एक लंबा डायल शेप में आपको देखने मिलता है, काफी अच्छा है, मल्टीपल कलर चॉइस है, देखने में काफी प्रीमियम है। इससे पहले डीजो ने भी अपना एक स्मार्ट बैंड ऐसा ही लॉन्च किया था, रियलमी में आपको देखने मिलता है, सेम आपको डिजाइन में देखने मिलता है, काफी अच्छा है और जो कलर आपको पसंद आ रहा हो वो आप ले सकते हो। देन यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है कि क्राउन वगैरह आपको नहीं मिलता है, वो आप यहाँ पर यूज नहीं कर पाओगे। एंड भाई यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम केस देखने मिलता है, यानी कि मजबूती आपको काफी अच्छे डाल में मिलेगी, अगर ये गिरता करता भी है तो कोई इश्यू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। देन अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो भाई यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर का डिस्प्ले मिलता है, यानी कि अप्रोक्स आप मान के चलो 1.57 इंच के आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलेगा जो कि भाई एक एमोलेड डिस्प्ले है, और यहाँ पर आपको 256x402 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाएगा। एंड एओडी यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आपको देखने मिल जाएगा, मल्टीपल वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आ रहा हो आप कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर जो डिस्प्ले की साइज है और जो डिस्प्ले है वो काफी बढ़िया है, और सैमसंग का एमोलेड आपको पता है भाई क्वालिटी कैसी आती है, तो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी। देन भाई यहाँ पर आपको हेल्थ फीचर्स एंड सेंसर्स में सारी चीजें मिलेगी, क्योंकि ये फिटनेस बैंड है तो फिटनेस के हिसाब से सारी चीजें आपको मिलेगी, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप रेट मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड, एस्पीड हो गया, एवरीथिंग सारी कुछ मिलेगी, और एक सैमसंग ब्रांड की तरफ से है, सेंसर्स वगैरह अच्छे खासे मिलेंगे और एक्यूरेसी होगी वो भी काफी बढ़िया मिलेगी। भाई इसका वीडियो मैं जरूर से लेकर आऊंगा आपके पास में, जैसे ही प्रोडक्ट मेरे पास में आता है मैं आपको इसका वीडियो भी दूंगा। देन बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की, तो 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, जो भी आप डेली लाइफ में यूज करना चाहो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ आपको काफी बढ़िया मिल जाएगी। अब आती है मेन बात इसके स्मार्ट फीचर्स की, इसी में ये मैं आपको बताऊंगा इसमें सबसे बड़ी चीज क्या मिस है। देखो यहाँ पर आपको जीपीएस का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड भाई यहाँ पर आपको SOS यानी कि इमरजेंसी कॉलिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पर आपको कोई भी ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर नहीं मिलेगा, एक वो फीचर जिसके लिए स्मार्ट बैंड या फिर स्मार्ट वॉच कोई भी बंदा बाय करता है वही आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फिटनेस के लिए बनाया गया एक फिटनेस बैंड है, तो यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग का कोई सीन नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत कस्टमाइज आप कॉलिंग वगैरह वो कर सकते हो, लेकिन बात वगैरह आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना तो माइक मिलता है और ना ही आपको कोई स्पीकर यहाँ पर मिलता है कॉलिंग के लिए, तो ब्लूटूथ कॉलिंग ये सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि कॉल वगैरह में बात नहीं कर पाओगे, बाकी कॉल को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ा फीचर है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको नॉन कॉलिंग वॉच चाहिए या फिर आपको कॉलिंग वॉच चाहिए या फिर एक फिटनेस बैंड ऐसा चाहिए जिसमें कॉलिंग वगैरह भी होती हो, और मैं एक बोलूंगा बात भाई कि फिटनेस बैंड वही होता है जिसमें कॉलिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि वो एक फिटनेस के हिसाब से बनाया गया चीज होती है, तो वो चीज आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये एक मेन फीचर इसमें जो है कि है मिस है। देन अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करता हूँ भाई, यहाँ पर आपको 5 एटम एंड IP68 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, यानी कि ये वाटर प्रूफ रेजिस्टेंस के साथ में भी आती है एंड डस्ट प्रूफ रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाता है, यानी कि आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, मतलब नहाना हो कुछ भी हो आप इसको आराम से यूज कर पाओगे। अब आती है मेन बात इसका एक हाईलाइटिंग पार्ट जो कि इसका बैटरी बैकअप। भाई इसमें आपको 13 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है, सिंगल चार्जिंग के बाद में 13 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हो, और भाई देखो यहाँ पर ये चीज आपको मिलेगा भी सही, ऐसा हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं ब्रांड ने 13 दिन के लिए बोला था इसमें आपको 2 से लेकर 3 दिन का बैकअप मिल जाएगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा हेवी चीजें आपको नहीं मिल रही। अगर आप सेंसर्स वगैरह 24 घंटे एक्टिव रखते हो, मतलब जो हार्ट रेट वगैरह आपको चूज करना है वो अगर एक्टिवेट रखते हो तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इशू आ सकता है बैटरी बैकअप में, वरना अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो भाई देखो कोई कॉलिंग वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिल रही, तो अप्रोक्स 10 दिन का बैकअप आप यहाँ पर मान के चल सकते हो, 10 दिन का बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। और भाई ये जो वॉच है ना मुझे काफी अच्छी लगी, वॉच क्या स्मार्ट बैंड मुझे काफी अच्छा लगा, प्राइस पॉइंट को देखते हुए भी एंड इसके फीचर्स को देखते हुए भी भाई हाईली रिकमेंड प्रोडक्ट है। अगर आप लेना चाहो अभी ले लीजिए, प्राइस आपको अच्छा मिल रहा है, बाद में जो प्राइस होगा वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो मे भी आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।